किराब थाना का, आषाढ़ी गांव का, अनुसूचित जाति का, कोजा राम पुत्र श्री हरजी राम, उम्र 40 साल, जिसको वहां के जो सामंती लोगों द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा था और जिसके खिलाफ उसने कानूनी लड़ाई लड़ी, करीब 8 मुकदमे उसने उन अपराधियों के खिलाफ नामजद दर्ज कराए, जिसमें 4-5 मामलों में अपराधियों का चालान भी हुआ। और अभी इसको धमकियां मिलने लगी, उसके घर पे आकर के उन्होंने झगड़ा किया तो उसने थाने में रिपोर्ट दी, लेकिन थाने में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो 15 मार्च को कोजाराम ने एसपी साहब को एक परिवाद दिया कि, और वहां रोया, उसके रोने की परिस्थिति को देखते हुए एसपी साहब ने सीधा उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। नहीं तो क्या होता है कि ज्यादातर मामलों में ये लिखा जाता है कि अनुसंधान करके जवाब दे, तो एसपी ने परिस्थितियों को देखते हुए मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। और आदेश के बाद में 20 मार्च को मुकदमा संख्या 11/2023 पुलिस थाना गिराब में दर्ज हुआ, और दर्ज होने के बाद में इसको लगातार धमकियां मिली। तो आज से 10 दिन पूर्व कोजाराम ने फिर आकर के एसपी साहब को कहा कि ये जो लोग फलां फलां लोग नामजद बताते हुए, और उसने एसपी साहब को रिटर्न में दिया कि इन लोगों से मुझे जान का खतरा और मुझे मार देंगे। उस कागज पे पाबंद किया या नहीं किया इस बारे में जानकारी अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन वो जो 15 मार्च को किया उसकी जानकारी है। और मेरे से भी कई बार उसने कहा, वकील साहब से भी, गणेश जी भी कई बार चर्चा की कि अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। घटना ये है कि मेघवाला का मोहल्ला अलग है और राजपूतों का मोहल्ला अलग है, और उसके बीच में से एक सरकारी रोड मुल्डा सड़क निकलती है। सड़क के उस उत्तर पश्चिम में राजपूत है और ये दक्षिण पूर्व में मेघवालों का मोहल्ला है। तो इस कोजाराम के घर के आगे थोड़ी बहुत कुछ जगह थी, उसमें उन्होंने लगातार कचरा डालना शुरू किया, औरतों को गालियां निकालना। सामने खंभा था उस रोड के साइड, कोजाराम की लाइट वहां से ली हुई थी, वैध रूप से कनेक्शन घरेलू, तो उसको बार बार ऊपर चढ़ करके काटना, ये विषय मेरे सामने आया था। उस समय उसने जो फोटो सारे मुझे दिखाए थे, और आज जो उसने आज से 10 दिन पहले उसका रिश्तेदार भंवर जो है उसको दिया था कि ये मुझे मार देंगे, लेकिन ये कमरे की चाबी है और ये जो थैले के अंदर मेरे कागज और सारे हैं, ये तुम्हारे पास रखना और जरूरत पड़े तो काम लेना। और हुआ ही वैसा उसका सच जैसा उसने जाहिर किया था। आज सुबह जब कोजाराम इतनी प्रशासन को वार्निंग देने के बाद में कोई उनकी किसी प्रकार की पाबंद नहीं होने की वजह से मुलजिमानों ने आज एक पूरा प्लान बना करके, जब कोजाराम अपनी बकरियों को जंगल में छोड़ने के लिए जा रहा था और गांव के दक्षिण में एक होद बना हुआ है, यानी कि गांव की आबादी से करीब करीब 700-500 मीटर दूरी पर गया, और उसके साथ में उनकी दो बेटियां थी, उन बेटियों के साथ वो बकरियों को लेके जा रहा था। और ये जो सारे लोगों ने आकर के घेर लिया, एक दर्जन से ज्यादा लोगों ने, और उसके ऊपर सरियों से, धारदार हथियारों से, लाठियों से इतनी निर्मम पिटाई की है कि आप उस डेड बॉडी को देख नहीं सकते। हाथ और पैर, पूरा शरीर उस न जाने गुप्तांगों पर, और शरीर के हर जगह पर उसको जैसे छीनने के जैसे, और पूरा पैरों के अंदर तो कैसे ही नुकीले जो धारदार चीजें घुसाई है, उसके पैर मुड़े हुए हैं, हाथ यूं टूटे हुए हैं। तो ऐसी निर्मम तरीके से क्रूर हत्या करने का
उन्होंने ठान ली थी और आखिर में उसको इस हालत में छोड़ा कि कोई 5-10 मिनट जिएगा। फिर वो क्या करते हैं, बच्चियां बीच में आती है तो उनको थपड़े मार करके एक साइड में करते हैं और उनको डराते धमका रहे हैं। और फिर उनमें से ही जो हथियारों में से ही नरेंद्र सिंह नाम का वो व्यक्ति जाता है इनके घरों में हथियार लेकर के, और उनको भी थोड़ा यूं मिला के कि ये आदमी को अभी मार दिया खोजाराम को, तो वो छगु देवी साधुला राम और कुछ औरतें और भी निकलना चाह रही थी, लेकिन इसने कहा कि खबरदार अगर जे साली डेडनियों अगर घर से बाहर निकली कोजिया का तो हमने इलाज कर दिया, वो थोड़ी देर में मर जाएगा, लेकिन बाहर कोई आया तो वही हाल तुम्हारे कर देंगे। तो वो फिर उस साधुला राम ने इधर सूचना की रमेश को कि मेरे तक सूचना आई, मैंने पुलिस थाना गिराव के एसएचओ से बात की, मैंने कहा भाई उस आदमी को मारा है और तुम क्या करते हो कि हम अभी रवाना हो रहे हैं, और वो गाड़ी लेकर के रवाना भी हुए, उसके बीच में घंटा डेढ़ घंटा का समय हुआ, उधर जो कुछ लोग घर से आकर के इसको बचाते या समय पर हॉस्पिटल लाते तो उनको घंटा डेढ़ घंटा तक किसी को आने नहीं दिया। जब पुलिस आ गई हमारी सूचना पर, वहां पुलिस पहुंची तो ये मुलजिम उस पुलिस को देख करके वहां से फरार हो जाते हैं, और बाद में पुलिस भी पहुंचती है और उसके बाद में उसके परिजन भी छगु देवी साधुला राम और उसके बाद में वो बच्चियां तो दो पहले से ही उपस्थित थी। ये घटनाक्रम उसके बाद में वहां दूसरा साधन नहीं होने के बाद में साधुला राम और उस खोजा राम को उस कंडीशन में वहां पहुंचने पर साधुला राम को खोजा राम ने बिल्कुल कहा कि मुझे फलां फलाना नाम जन लोगों ने मारा है, मुझे बचाओ हॉस्पिटल ले जाओ, और मुझे मारने वाले उन्होंने आज अपना काम कर लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई करना और मुझे बचाओ हॉस्पिटल, और ये लेकर के पुलिस वहां आ गई। गिराब वहां गंभीर स्तर को देकर के सीधा बाढ़ में रेफर किया, वहां प्राइवेट वाहन लिया गिराब से, और यहां पहुंचने तक बीच रास्ते में खोजा राम ने दम तोड़ दिया, और उसके बाद में यहाँ लाए तो हम लोग ने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने उसको कहा कि ये तो ऑफ है, और ऑफ होने की सूचना मुझे पहले ही ये जब गाड़ी में आ रहे थे ये भी हमारे को पहुंचा दी थी कि डेथ हो गई। तो ये हालात है अब जो इस बाड़मेर जिले में और पूरे राजस्थान में जिस तरीके से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के ऊपर अत्याचारों की बाढ़ आ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार है जो एक नंबर पे काम कर रही है, मैं मानता हूं बाकी में कर रही है तो अच्छी बात होगी, लेकिन ये दलितों पर अत्याचार के मामले में सरकार एक नंबर पे है, इस चीज से इनकी पीठ थपथपाना चाहते हैं, बिल्कुल ये इस मामले में एक नंबर पे। और मैं सभी जो मानवतावादी लोग हैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि इस खोजाराम के माँ है न बाप है, चार बच्ची और नाबालिग है, एक बच्चा शायद 18 की उम्र का, एक बिल्कुल 4 साल की उम्र का है, ऐसी स्थिति में उसके परिवार को संबल देने के लिए जिस प्रकार से जो विभिन्न संगठन आए थे पचपदरा में सहयोग के लिए, उन्हीं लोगों से मैं अभी भी अपील करता हूं कि मेहरबानी करके इस गरीब के नाबालिग 6 बच्चों के न्याय दिलाने के लिए भी आगे आए। और ये बीपीएल भी था, न जाने क्या कहें, ऐसी निर्मम हत्या करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, और बाकी जो हमारे एससी एसटी और तमाम दूसरे भी मानवतावादी लोग आए हैं हमारे जैसलमेर से, हमारी पूर्व प्रमुख बहन अंजना जी भी आई है, छात्र नेता सानाज भी आई यहाँ, और अजय सिंह सहित और भी मानवतावादी लोग होंगे, उन सभी से मेरी अपील है कि कृपया इस परिवार को न्याय दिलाने और जिन लोगों ने ये कृत्य किया है अपराध किया है उन लोगों को जल्दी से जल्दी कैसे सजा हो, इस बारे में हम सब लोगों को एक होकर के कल की तारीख में सभी लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप मेहरबानी करके जो आदमी जिंदा है जो चल सकता है वो कल यहाँ आना चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी किसी जाति समुदाय नहीं, अपराधी की कोई जात नहीं होती है, जो अपराधी हैं वो इसका अंजाम भुगतेंगे, लेकिन हमें किसी जाति पर किसी धर्म पर किसी पर टिप्पणी नहीं करनी है, इस बात का संयम सभी बना के रखें। हम लोगों का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि जिस
जिन लोगों ने इस कोजाराम की जान ली है उन लोगों को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। और हम सभी लोग मिल करके अब हमारा जो ज्ञापन तैयार करेंगे उस ज्ञापन में क्या हमारी मांग होनी चाहिए, ये सारे लोगों की मैं राय लेकर के उसके बाद में कुछ बता पाऊंगा। मीडिया के बंधुओं से भी आप लोगों ने जब जब बाड़मेर में जब जुल्म हुआ है तो आप लोगों ने बिल्कुल निष्पक्ष होकर के गरीब और पीड़ित को न्याय दिलाया है। अभी भी आपसे मेरी ये उम्मीद रहेगी कि आप इस बात को, जायज बात को, जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट जहाँ है उस पर उठाइए और इस गरीब के बच्चों को न्याय दिलाने में सहयोग करें। और हमारे जो सारे लोग हैं इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए आए हैं उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अभी रात को मैं खुद भी यहाँ सोऊंगा और आप में से जो लोग यहाँ रुकना चाहें इन दुखी परिवार के लोगों के साथ रुकें, बाकी वाले जो भी घर जाएंगे रात को देर वो लोग सुबह और रात भर सारे लोग जो इसको न्याय दिलाने के ज्यादा से ज्यादा संख्या में। और एक चीज और है कि हमारा आंदोलन हमेशा अहिंसक रहता है, हम कोई नारेबाजी नहीं करते हैं, हम कोई रोड रोकने का काम नहीं करते हैं, हम बिल्कुल अहिंसक रूप से अपना जो है काम है वो करेंगे और इस परिवार को न्याय दिलाएंगे। पुनः आप सभी यहाँ